में सब मिलाकर 60 रुपए। 60 रुपए? सिर्फ 60 रुपए? मैं तो इतनी सारी चीजें लाई हूँ, सब में दो दो तीन तीन रुपए बढ़ा देती हूँ। अब हुए 90 रुपए। करेक्ट। अब कुछ लग रहा है कि मैं सब्जी लेकर आई हूँ, तो अब इसमें से 30 रुपए मेरे हो गए और बचे सिर्फ 10 रुपए। बेहतर है। लगता है बहू आ गई, उसे मेरा ये कच्चा पक्का हिसाब बिल्कुल समझ में नहीं आना चाहिए। सदमा। ओह सासू माँ, आपका मूड इतना खराब क्यों है? कहीं आप हिसाब तो नहीं कर रही थी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपका मूड यूं ठीक हो जाएगा जब मैं आपको मेरा सरप्राइज बताऊंगी। देख बहू, जब तक मुझे ये पता नहीं होता कि सरप्राइज क्या है, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होती। कोई बात नहीं, मैं आपको क्लू देती हूँ। काली का लूटी बैंगन लूटी। हाँ, उसका रंग काला है लेकिन वो चश्मा नहीं पहनती और अब वो यही रहने वाली है। तेरी माँ यहाँ आ रही है। आपके तानों का मुझ पर कोई असर होने नहीं वाला। एक मिनट। ए, सिटी बजा कर किसको बुला रही है तू? काम 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 काम। सिट 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 सिट। कुत्ता मत कहिए सासू माँ, इसका नाम भी तो है ना, बेलवे। बेलवे। हाँ। सिट 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 सिट। बकवास की तरह है ये बिल्कुल। नाम तो बिल्कुल सही है। ये है मेरी पेट वेलवेट। और वेलवेट देखो, ये मेरी सासू माँ है। अरे बहुत मत बहुत मत, ये ऐसी वैसी सासू माँ नहीं है, ये तो माँ से भी बढ़कर प्यार करने वाली सासू माँ है। और सासू माँ हमारी वेलवेट भी कितनी प्यारी है ना। ये हमारी कब से हो गई? नहीं, मेरा मतलब सुबह तक हमारे घर में एक छोटा पप्पी भी नहीं था और ये इतनी लंबी लंबी। बड़ी लंबी और दुख भरी दास्ता है बेचारी वेलवेट की। मैं कुमुद के घर से बस निकल ही रही थी और सामने से डॉग वैन आ गई, यानी कि कुत्ते पकड़ने की गाड़ी। हाँ, तो तू कहाँ छुप गई थी? वेरी फनी, मुझे छुपने की क्या जरूरत है, मैं तो वही खड़ी रहकर देख रही थी और मेरे देखते ही देखते उन लोगों ने इस बेचारी को उन कुत्तों के साथ वैन में डाल दिया। मेरे अंदर भावना का तूफान जाग उठा और मुझसे रहा नहीं गया सासू माँ। मैंने टैक्सी करके उस वैन का पीछा किया पीछा किया पीछा किया और देखा क्या क्या, उसे भी उन कुत्तों के साथ कैद कर रखा था। मैंने उनसे पूछा कि वो इसका क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा इसे कोई लेके गया तो ठीक है वरना इसे हमेशा के लिए सुला देंगे। मुझसे रहा नहीं गया सासू माँ। मैंने डबडबाती आंखों से उनसे पूछा क्या वो मुझे वेलवेट को दे देंगे। मेरी भोली सी सूरत देखकर उनको मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे वेलवेट को दे दिया। वेलवेट जैसे ही बाहर निकली वैसे वो मुझसे ऐसे मिली कि जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई तेरी जुड़वा बहन। और मैं उसे घर ले आई। लेकिन तू करेगी क्या इसका? करना क्या है, मैं तो उसे ऐसी करतब सिखाऊंगी, ऐसी करतब सिखाऊंगी कि लोग कहेंगे वाह 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 वाह। लेकिन एक बात याद रख, ये एक मामूली जानवर है, सड़क का लावारिस कुत्ता। सासू माँ ऐसा नहीं कहते सासू माँ, वेलवेट को बुरा लगेगा ना। अरे देखिए, आपकी सब बात समझ गई है, कैसे मुंह मोड़ कर बैठी है। चलिए आप सॉरी कहिए। क्या? नहीं वेलवेट, हम नहीं सासू माँ की बातों को बुरा नहीं मानते। अरे मुझे देखना, मैं कैसे उनकी बातें इस कान से सुनती हूँ और इस कान से निकाल देती हूँ वैसे ही। अरे चल मैं तुम्हें तेरा घर बताती हूँ, चलो चलो चलो। एक मिनट एक मिनट। अब क्या? वेलवेट यहाँ नहीं रह सकती। क्या? क्यों? क्योंकि तेरे ससुर जी को जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। आप झूठ कह रही है और आपकी गृहस्थी इस बात का सबूत है। ए, चुप कर पागल, तेरे ससुर कुत्तों से सख्त नफरत करते हैं, वो वेलवेट को यहाँ बिल्कुल नहीं रहने देंगे। मुझे याद है ना, मेरा भी एक कुत्ता था, शेरू नाम का, मायके से दहेज में आया था। हमारी सुहाग रात को मैं इस तरह यूं घूंघट ओढ़ के बैठी थी, इतने में वो आए और मेरे करीब आकर उन्होंने जैसे ही मेरा घूंघट उठाना चाहा, शेरू अचानक उन पर कूद पड़ा।
वफादार जानवर होता है। लेकिन तुझे पता है तेरे ससुर जी ने क्या किया? क्या? उन्होंने मुझे उसी रात अल्टीमेटम दिया कि इस घर में या तो शेर रहेगा या वो। अरे बात तलाक तक पहुंच गई थी, इसलिए मुझे फिर शेरू को निकाल देना पड़ा। तू भी वही कर जा। मैं कहां छोड़ा उसे? क्यों? वहीं पर जहां से तू इसे ले आई है। नहीं 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 सासू माँ, आपको मालूम है उसके साथ वहां क्या होगा? वो तो नहीं, है लेकिन सासू माँ प्लीज 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 सासू माँ मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज ऐसे मत होने दीजिए, प्लीज मैं बचा लीजिए। देखिए देखिए सासू माँ, बेचारी वेलवेट भी आपसे विनती कर रही है, आपको प्रॉमिस कर रही है आई बी ए गुड गर्ल। जाजा तू इतनी जल्दी उसकी भाषा भी समझने लगी क्या? हाँ सासू माँ। लेकिन तेरे ससुर जी को फंसाना इतना आसान नहीं है। ये आप कह रही हैं? क्या मतलब? मतलब सासू माँ हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं, प्लीज 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 सासू माँ। हाँ ट्राई कर सकते हैं। वेलवेट अब तू यहाँ रह सकती है। अरे अब ये क्या कह रही है? मुझे क्या मालूम, आफ्टर ऑल जानवर है। अरे इतना मत खिलाइए इसे, मोटी हो जाएगी ये, मोटी। आगे भी कह डालना आपकी तरह। मैं क्यों करने लगी वेलवेट की बराबरी आपसे? क्या बोली? प्लीज हम वेलवेट को लेके घूमने चलते हैं। हाँ कितना एलिगेंट लगता है ना लेडी लाइक। पट्टा तेरे गले में, चेन मेरे हाथ में, मेरा मतलब पट्टा उसके गले में, चेन मेरे हाथ में। हो गया आपका? हाँ। चले। हाँ चलो। मैं वेलवेट से कह रही थी। ओले थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अरे इसे कैसे पता चला चिट्ठी आपकी है? वेलवेट तो होशियार है ही, लेकिन बेचारे वेलवेट के लिए बुरी खबर है। क्या? तेरे ससुर जी आ रहे हैं। क्यों? क्यों का क्या मतलब? इस घर के मालिक है, जब उन्हें छुट्टी मिलेगी तो घर पर ही आएंगे ना। लेकिन कब आ रहे हैं वो? उनकी गाड़ी तो ऑलरेडी आ चुकी है। एनी मोमेंट ही इज एक्सपेक्टेड। आपकी चिट्ठी मुझे अभी अभी मिली और आप आ भी गए। ये हम क्या सुन रहे हैं देवकी जी? मैंने कहा आपकी चिट्ठी मुझे अभी अभी मिली और आप आ भी गए। नहीं नहीं वो नहीं, वो हमने सुना। इस घर में और कौन है? बहू, रवि। रवि तो ऑफिस चला गया। बहू और मैं और बहू। तुम दोनों के सिवा और कोई नहीं है? और कौन हो सकता है? वो कौन? वो बनो मत देवकी, मोहल्ले वालों ने हमें सब बता दिया है कि हमारे पीठ पीछे तुमने और बहू ने क्या गुल खिलाया है। ये क्या कह रहे हैं आप? तुमने तुमने घर में एक कुत्ता बोला है। नहीं झूठ मत बोलो देवकी। मैं सच कह रही हूँ, मैं जानती नहीं क्या नाथ कि आपको कुत्तों से कितनी नफरत है। इसके बावजूद भी तुमने ये हिमाकत की, कहाँ छुपा रखा है उसे? नहीं। अच्छा नहीं बताओगे? नहीं हम ढूंढ लेंगे। मेरा मतलब, अरे हम ढूंढ लेंगे उसे। सुनिए नाम क्या है? देवकी। देवकी देवकी है? अरे तुम्हारा नहीं, कुत्ते का। कहाँ है कुत्ता? ये क्या है? क्या है? कुत्ते के बिस्किट। कुत्ते के बिस्किट? तो हमारा शक सही था। अरे ये सबूत चिल्ला चिल्ला के गवाही दे रहा है कि हमारे घर में कुत्ता है। कुत्ता? आप भी कमाल करते हैं, एक बार कह जो दिया कोई कुत्ता वुत्ता नहीं है घर में। नहीं नहीं, फिर ये कुत्ते के बिस्किट हमारे घर में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुत्ते के बिस्किट क्या? हाँ बहू, बहू ले आई इन्हें। क्योंकि बहू ने मेडिकल मैगजीन में पढ़ा है कि आजकल के लेटेस्ट साइंस स्टडी के मुताबिक कुत्ते के बिस्किट्स इंसानों के लिए खाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुत्ते के बिस्किट्स इंसानों के लिए एक संपूर्ण पौष्टिक आहार साबित हो चुका है, इसीलिए तो आजकल घर घर में कुत्ते के बिस्किट्स खरीदे जा रहे हैं। अच्छा तो इसका मतलब है जो बिस्किट्स कुत्ते खाते हैं इंसानों को भी खाना जरूरी है। बिल्कुल। खाओ। क्या? कुत्ते के बिस्किट्स खाओ। मैं? तुम? हाँ संपूर्ण पौष्टिक आहार खाओ। खाती हूँ ना। आओ ना। खाती हूँ ना। मीठे करारे आप खाइए। नो नहीं, तुम ही खाओ। कौन आया है सासू माँ? ओ ससुर जी आप जीते।
खुशी रहो, जीती रहो। आप कब आए? मुझे तो मालूम ही नहीं था। अब तो पता चला ना। देखिए ना कितनी खुश हो गई है आपको देखकर। खाओ, खाओ। ये तो कुत्ते के बिस्किट है। हाँ, यही तो कह रही हूँ। तूने ही तो कहा था ना कि कुत्ते के बिस्किट इंसानों के लिए संपूर्ण पौष्टिक आहार करके साबित हो चुके हैं। खाना खाओ। ये क्या है? क्या है? कुत्ते का बाल? अब बोलो क्या कहना है तुम दोनों को? अगर घर में कुत्ता नहीं है तो कुत्ते का बाल कहाँ से आ गया? कुत्ते का बाल? हाँ। कुत्ते का बाल? कुत्ते का बाल? सुना था? कुत्ते का बाल? ये आवाज कैसी? कौन सी आवाज? ये आवाज जैसे कि कुत्ता अपने पंजों से दीवार रगड़ रहा हो। खर खर खर। मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हमें हमें सुनाई दे रही है। बहू के कमरे से आ रही है। मेरे कमरे? बोलो बहू, कौन है तुम्हारे कमरे में? कोई नहीं। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं जानती हूँ सासुमा। हाँ, ये आवाज उसी की है जिसका ये बाल है। सासुमा? हाँ, जिसका बाल उसी की आवाज। टाइटल अच्छा है नहीं? बहुत अच्छा। कंफ्यूज मत करो, हम खुद जाकर देखते हैं। वाह, सासुमा आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वो तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन हमें यकीन है इस घर में कुत्ता है। मैं बहू के सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि इस घर में कुत्ता नहीं है। अरे ऐसी कसम खाने से क्या फायदा जिसकी तुम्हें वैल्यू ही ना हो। तो मैं आपकी कसम खाती हूँ। तो अब हमें पूरा यकीन हो गया है कि तुम झूठ बोल रही हो, इस घर में कुत्ता है। लेकिन ससुर जी, सैकड़ों साल पहले आप पर सासूमा का कुत्ता कूदा होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप अब तक सभी कुत्तों से नफरत कर रहे हैं। अरे कूदा नहीं था, उसने हमें काटा था। तुम्हें काटता ना तो तुम्हें पता चलता। इतने बड़े बड़े 14 इंजेक्शन लिए थे हमने पेट में, पूरी जाली बन गई थी। बस हमारा फैसला अटल है, इस घर में या तो हम रहेंगे नहीं तो वो कुत्ता रहेगा। कुत्ता रहेगा? एको बन गया। हम चलते हैं। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए ना। देखा, मैं कह रही थी ना तुझे कि तेरे ससुर जी कभी नहीं मानेंगे। तो क्या हुआ सासू माँ? ससुर जी तो चले जाएंगे 2-4 दिन में, तब तक किसी तरह संभाल लीजिए ना। अच्छा देख, अरे लेकिन बहू, तेरी ये वेलवेट तेरे रूम का दरवाजा खोलकर बाहर कैसे चली गई? हाँ, मैंने सिखाया ना उसे मुंह से दरवाजा खोलना ऐसे। क्या? अरे तू चल, देखते कहाँ चली गई है वो। चल चल। छोड़ाओ इसे वहीं जहाँ से इसे ले आया हो। अगर मेरी वेलवेट इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। ये अच्छी मुसीबत है बाबा तुम दोनों की। अगर वेलवेट इस घर में रहती है तो पति घर छोड़कर चला जाता है, और अगर वो नहीं रहती तो बहू घर छोड़ने की धमकी दे रही है। जा, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ, तुम दोनों आपस में फैसला कर लो। प्रॉमिस? सासुमा आप जिधर भी जा रही हो ना, वहाँ से एड्रेस जरूर भेज दीजिए, हम आपको मनी ऑर्डर भेज देंगे। और वेलवेट, आज सासुमा का कमरा तेरा। ये तेरी तो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी ना अगर मैं इस घर से चली जाऊंगी तो। जा, मैं नहीं जाती। अरे ऐसे कैसे आप मिनट मिनट में अपना फैसला बदल सकती है? मैं बदल सकती हूँ क्योंकि मैं एक सास हूँ। आप भूल रही है कि आप सास तभी है जब मैं आपकी बहू हूँ। तो यही बात तेरे बारे में भी कही जा सकती है। अगर इस घर से मैं चली जाऊँ तो तू बहू कहलाएगी किसकी? ससुर जी है ना। और ससुर जी में वो ताकत कहाँ जो एक सास में है ना। तो आप भी कहीं और जाकर बसा लीजिए ना अपना घर। भूल जा, मैं यहाँ से बिल्कुल हिलने वाली नहीं हूँ। आपको जाना होगा सासू। नहीं जाऊंगी। आपको जाना होगा। नहीं जाऊंगी। जाएंगी? नहीं जाऊंगी। जाएंगी? देवकी राधा, अरे झगड़ा देवकी के घर से जाने का नहीं है, वेलवेट के घर से जाने का है। तुम दोनों तो हो ही वैसी। अरे टॉपिक क्या है, तुम दोनों बोल क्या रही हो? बस बात से बात निकालिए और शुरू कर दी अपनी तू तू मैं। औरत जो हो ना, अरे इस घर में 2 औरतें क्या कम थी जो तीसरी को उठा ले आए? ले जाओ इसे। ए, देख क्या रही हो इस तरह, चली जाओ हमारे यहाँ से। तुम्हें दरवाजा खोलना आता है ना तो खोलो दरवाजा। गेट आउट। इधर मत आना। क्या है?
ये क्या किया तूने? सारी दाल जला डाली? मैंने दाल आपने चढ़ाई थी सासू माँ, लेकिन मैंने तुझे कहा था ना कि मैं नहाने जा रही हूँ, जरा ध्यान रखना। ऐसा आपने कुछ नहीं कहा था, झूठ बोल रही है। तू मुझे झूठी कह रही है? झूठी तो तू है आलसी नंबर एक, तू तो एक नंबर की काम चोर है। गलती खुद करो और नाम मुझ पर ले लो, ऐसा कोई हक नहीं दिया मैंने आपको सासू माँ। तू मुझे सिखा रही है कि मुझे किस बात का हक है और किस बात का नहीं? मेरे मन में जो आएगा वो कहूंगी मैं तेरे। आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही करूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती। करूंगी। मेरा नाम आप देखा, तू मुझे कुछ भी। तो ऊपर लाते लाते ठंडी नहीं होगी क्या? और इतना ही शौक है आपको गर्म चाय पीने का, तो नीचे आकर पी लीजिए ना। क्यों, चाय ढककर नहीं ला सकती थी तू ऊपर? लेकिन चाय ऊपर लाना ही जरूरी है ना। जो मैं कहती हूँ ना वही कर तू, फालतू में बहस मत कर मुझसे। हाँ हाँ, मैं तो आपके हुक्म की गुलाम हूँ। अब आप कहेंगी जा गर्म करके लेके आ चाय। चलो इतनी तो अकल आ गई तुझमें, अब जा गर्म करके लेकर आ चाय। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ है। मैं नहीं जाऊंगी। तुझे जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी। जाना होगा बहू। मैं नहीं जाऊंगी। कह रही हूँ ना जा, मैं नहीं जाऊंगी। प्लान। हाँ, हमारी टूटू मैम में वेलवेट ने अपनी भौ-भौ मिलाकर ससुर जी का दिल ही जीत लिया है। देखी मेरी ट्रेनिंग? अगर विद्यार्थी अच्छा हो ना तो कैसा भी शिक्षक उसे पढ़ा सकता है। हाँ, इसीलिए तो मैं आपको सिखाने की कोशिश भी नहीं करती। चुप, अब यहाँ शुरू होने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे ससुर जी बाहर गए वेलवेट को घुमाने के लिए। हाँ चमत्कार है सच्ची। ससुर जी वेलवेट के सिवा ना खाते है, ना पीते है, ना सोते है, ना जागते है। सारा वक्त वेलवेट के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। थैंक गॉड, आप अपने वेलवेट को इस घर से कोई निकाल नहीं सकता। हाँ जी, राधा वर्मा यहीं रहती हैं? मैं ही हूँ राधा वर्मा, क्या बात है जी? हमें पता चला है कि हमारा कुत्ता आपके यहाँ है। आपका कुत्ता? जी हाँ, हम उसे लेने आए हैं। अब क्या सोचे, चली गई घर सुना कर गई। लेकिन तू दिल छोटा मत कर बहू, बहुत मुश्किल है सासू माँ, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। क्यों ना हम तेरे लिए एक नया पेट ले आए। हाँ सासू माँ, ऐसा पेट लेके आइए मेरे लिए जो मेरा अपना हो, जिसका यूं चले जाने का डर भी ना हो। बोल क्या चाहिए तुझे। सासू माँ मेरे लिए एक फिश टैंक लाइए। फिश टैंक? हाँ, रंग बिरंगी तैरती हुई मछलियां देखकर मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। मैं उनसे बातें करूंगी, उन्हें पुकारूंगी। हाँ, और नाम मैं रखूंगी। क्यों, मेरी मछलियां हैं, नाम भी मैं ही रखूंगी। ए, नहीं नहीं, नाम तो मैं ही रखूंगी। नहीं सासू, नाम मैं ही रखूंगी। मैं रखूंगी, मैं रखूंगी, मैं रखूंगी, मैं रखूंगी, मैं। जब तक वेलवेट घर में थी तब तक ये बात ठीक थी, लेकिन आपके भौंकने से हमारी तूतू मैमे पर कोई बाधा नहीं आने वाली। हाँ हाँ